गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज आप करेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल का मतलब होंगे आपस के बीच, ठीक है। ये की होंगे आ कि दो कॉयल्स होंदिया ने, एक आप ले लें प्राइमरी कॉयल और एक ले लें सेकेंडरी कॉयल। जो आप एक कॉयल के करंट की वैल्यू चेंज करते हैं तो दूसरी कॉयल के इंडक्शन हो जाती है, ठीक है। सो इट इज़ द फिनोमिना ऑफ इंड्यूसिंग EMF इन अ क्लोज्ड कॉयल ड्यू टू चेंज ऑफ करंट विद टाइम इन नीयर बाय कॉयल, ठीक है। सो ये आप दो कॉयल्स ले लिया, एक प्राइमरी कॉयल एक सेकेंडरी कॉयल। प्राइमरी कॉयल के नाल आप बैटरी लगाती, नाल एक लगाती की वो आप ले ली एक सेकेंडरी कॉयल। सेकेंडरी कॉयल के नाल आप गलवैनोमीटर अटैच कर दिता। जिदा ही आप की नू प्रेस करा प्राइमरी कॉयल के करंट की वैल्यू जी इनक्रीज़ होनी शुरू होएगी। जो पी के करंट की वैल्यू इनक्रीज़ होएगी तो मैगनैटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होएगी, ड्यू टू विच जिहड़ा मैगनैटिक फ्लक्स लिंकड है सेकेंडरी कॉयल के नाल वह चेंज होएगा। तो जिदा ही मैगनैटिक फ्लक्स जिहड़ा आ वह चेंज होएगा कॉयल के नाल सेकेंडरी कॉयल के नाल, सेकेंडरी कॉयल जिहड़ी है वह उहदे विच इंडक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो जिहड़ी इहदे विच इंडक्शन हुई है सेकेंडरी कॉयल च ड्यू टू चेंज इन करंट इन प्राइमरी कॉयल, उहदे करके जिहड़ा गलवैनोमीटर है वह डिफलैक्शन शो कर देगा। गलवैनोमीटर की डिफलैक्शन यह इंडीकेट करती है कि सेकेंडरी कॉयल के इंडक्शन हो चुकी है। नैक्सट है कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन एंड और म्यूचुअल इंडक्टेंस। जिदा सैल्फ इंडक्शन एंड सैल्फ इंडक्टेंस की सिमिलरली आप इनू भी डिफाइन करा कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। हुण सानू पता है कि जिन्ना तुसी प्राइमरी कॉयल चो करंट चेंज करोगे उन्ना इहदा फ्लक्स जिहड़ा है मैगनैटिक फ्लक्स जिहड़ा सेकेंडरी कॉयल नाल लिंकड है वह चेंज होएगा। सो आप लिख सकते हैं कि फाई एस इज़ डायरैक्टली प्रपोर्शनल टू IP। फ्लक्स लिंकड विद सेकेंडरी कॉयल इज़ डायरैक्टली प्रपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द प्राइमरी कॉयल, ठीक है। जिन्ना करंट फ्लो करेगा उन्ना ही फ्लक्स सेकेंडरी कॉयल का चेंज होएगा। सो इतने आप कॉन्सटेंट लगाने M, वेयर M इज़ कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस, क्लियर। उस तो बाद अगर आप IP 1 ampere पुट कर दिए तो M जो कि बराबर आ जाएगा फाई एस के बराबर आ जाएगा। सो आप म्यूचुअल इंडक्टेंस को डिफाइन करना। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉयल्स इज डिफाइंड एज द मैगनैटिक फ्लक्स लिंकड विद द सेकेंडरी कॉयल ड्यू टू फ्लो ऑफ यूनिट करंट इन द प्राइमरी कॉयल, ठीक है। कि जदों प्राइमरी कॉयल के 1 ampere करंट फ्लो करता है, ठीक है, तो जिहड़ा सेकेंडरी कॉयल के कि मैगनैटिक फ्लक्स लिंकड है सेकेंडरी कॉयल के नाल वह कि बराबर होएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस के बराबर। सो की मतलब है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस जी है दैट इज़ इक्वल टू मैगनैटिक फ्लक्स लिंकड विद द सेकेंडरी कॉयल, ठीक है। जी म्यूचुअल इंडक्टेंस आ वो जिन्ना मैगनैटिक फ्लक्स लिंकड होएगा सेकेंडरी कॉयल के नाल वो बराबर होएगी जदों प्राइमरी कॉयल के 1 ampere करंट फ्लो करेगा, ठीक है। करंट जिहड़ा आपां लैणा है वह प्राइमरी कॉयल का होएगा, इंडक्शन सेकेंडरी कॉयल की होएगी, इस करके मैगनैटिक फ्लक्स जिहड़ा लिंकड होएगा वह भी सेकेंडरी कॉयल के नाल ही होएगा, क्लियर। हुण जिहड़ा फैराडेज लॉ आ वह की कहिंदा है कि ES आपां इत्थे S इस करके लै रहे हैं क्योंकि आपां सेकेंडरी कॉयल च इंडक्शन करा रहे हैं। सो ES इज़ इक्वल टू -dΦS/dt। सो फाई एस की वैल्यू आपां कीती होई है M into IP, ठीक है। M इज़ अ कॉन्सटेंट सो बाहर आ जाएगा। सो ES इज इक्वल टू -mdIP/dt। सो इतों M की वैल्यू कढ़ो, E/-dIP/dt। अगर आप -dIP/dt 1 पुट कर लिए तो M कि बराबर आ जाएगा, ES के बराबर आ जाएगा, ठीक है। सो म्यूचुअल इंडक्टेंस होर किस तरीके डिफाइन हो सकती है, इट इज़ डिफाइंड एज द इंड्यूस्ड EMF इन अ सेकेंडरी कॉयल ड्यू टू यूनिट रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉयल। जदों किसी भी प्राइमरी कॉयल के 1 ampere/s के रेट से करंट डिक्रीज होंदा है उस टाइम पर सेकेंडरी कॉयल के कितनी इंडक्शन होंदी है, दैट इज़ नोन एज म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉयल्स, ठीक है। ये भी जोड़े यूनिट्स ने वो हैनरी ही होंगे ने, इंडक्टेंस के यूनिट हैनरी ने, चाहे वह सैल्फ इंडक्टेंस है चाहे वह म्यूचुअल इंडक्टेंस है। सो 1 henry इज इक्वल टू 1 weber/ampere इज इक्वल टू 1 volt/ampere/s। अगर आप 1 henry डिफाइन करना है तो आप कि डिफाइन करा, ठीक है। आ भी चीज़ 1 होनी चाहिए है, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ करंट भी 1 होना चाहिए है, तो इंड्यूस्ड EMF भी की होनी चाहिए है 1 होनी चाहिए है। सो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉयल्स नूं आपां 1 henry कदों बोलांगे, जदों जिहड़ा प्राइमरी कॉयल आ उहदे विचों करंट डिक्रीज़ हो रहा है एट अ रेट ऑफ 1 ampere/s
और जड़ी सेकेंडरी कॉयल इंडक्शन किन्नी हो रही है 1 volt दी EMF इंड्यूस हो रही है ठीक है सो इट इज़ सेट टू बी 1 Henry इफ 1 volt EMF इज इंड्यूस्ड इन अ कॉयल ड्यू टू 1 ampere पर सैकेंड डिक्रीज ऑफ करंट इन द नेबरिंग कॉयल ठीक है तुसी एक कॉयल दे विचो 1 ampere पर सैकेंड दे रेट ते करंट घटा रहे हो तो जड़ी लागे दूसरी कॉयल पई है उच्च 1 volt ही EMF इंड्यूस हो रही है सो इहदा मतलब ये है कि जड़ी म्यूचुअल इंडक्टेंस है टू कॉयल्स दी दैट इज़ 1 Henry